दोस्तों, अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है, मीन्स कि आपका अकाउंट SBI में है, तो यहाँ पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप डेबिट कार्ड का यूज करते हैं किसी भी पेमेंट करने में, या आप शॉपिंग में यूज करते हैं, मीन्स कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। और रिवॉर्ड्स पॉइंट के बारे में बता दें, हर 100 रुपये के ट्रांजेक्शन में आपको एक रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, और ये रिवॉर्ड्स पॉइंट आपके यूनो एप्लीकेशन में जाके वहाँ पे शो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है कि ये रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको कैसे पता करना है, कैसे आपको इसको यूज करना है, क्योंकि दोस्तों आप इस रिवॉर्ड्स पॉइंट से आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, और मूवीज़ का टिकट बुक कर सकते हैं, मीन्स कि ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं उससे आप यहाँ पे इस रिवॉर्ड्स पॉइंट का यूज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत चीजें आप जो है रिवॉर्ड पॉइंट से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे ये रिवॉर्ड्स पॉइंट चेक करते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं, तो मैं खुद अपना जो है यहाँ पे रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको रिचार्ज करके कि कैसे आप इसको रिचार्ज करना है, यूज कैसे करना है। मैं अपना खुद का यहाँ पे रिचार्ज करने वाला हूँ और आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा डेमो कि कैसे आप अपने रिवॉर्ड्स पॉइंट का यूज करके रिचार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे रिचार्ज करना है अभी करंट में। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर कुछ पॉइंट्स का यूज करके मैं रिचार्ज करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दे कि मैं हूं तेज मिश्रा और मैं हूं प्रयागराज से, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए टेक से ट्यूटोरियल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत वहां पे वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप ले चलते हैं, आपको यहां पे दिखाते हैं कि कैसे आप जो है अपनी रिवॉर्ड्स पॉइंट को यहां पे चेक कर सकते हैं और उसको कैसे यहां पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपना यूनो एप्लीकेशन यहां पे ओपन करना होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपना यहां पे बैंक अकाउंट या अपना डेबिट कार्ड डाल के आप जो है यूनो एप्लीकेशन को यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे अपना यूनो SBI का जो एप्लीकेशन है मोबाइल बैंकिंग का, वो ओपन करता हूँ और उसके बाद MPIN डाल के यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। आप भी जो है MPIN डाल के लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें, उसके बाद अपना MPIN यहाँ पे डाल के इंटर करें। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और ये ओपन हो गया। जो जैसे ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे जाना कहाँ पे है कि आपको रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सिंपल से आपको कार्ड के बगल यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंश्योरेंस लिखा हुआ है, तो कार्ड्स पे नहीं, इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको माय रिवॉर्ड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऊपर यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे माय रिवॉर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिखाई देंगे, मगर आपको पॉइंट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, या पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं। तो उसके लिए आपको रेडीम नाउ यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे एग्री का पूछेगा, तो आपको एग्री कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो पॉइंट्स का अलग से अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अगर नहीं ओपन होता तो फिर से आपको क्या करना होगा, दोबारा से यहाँ पे जो है बैक जाना है, फिर रेडीम पे क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पे इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्य, मतलब कि मेरा नाम है रितेश मिश्रा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो मुझे जो यहाँ पे पॉइंट्स मिले हुए हैं यहाँ पे शो होंगे। तो अगर आपको फोकस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं फोकस कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए, तो यहाँ पे फोकस हो गया। तो ये देख सकते हैं कि 918 पॉइंट्स मुझे जो है यहाँ पे मिला हुआ है, और नीचे आप देख सकते हैं 401 कब किस मंथ में कितने पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं। तो दोस्तों, पॉइंट्स के बारे में बता दें कि हर 100 रुपये के ट्रांजेक्शन पे आपको एक पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे। और अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं कुछ पॉइंट्स को रिचार्ज करके कि इसका यूज कैसे आपको यहाँ पे करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जाना है, उसके बाद आपको 3 डॉट जो मिलेगा उस पर क्लिक करना, फिर यहीं पे आपको रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज यहाँ पे मिलेगा, तो मोबाइल वाले रिचार्ज पे क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, ऑपरेटर डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं 79 रुपीज़ का रिचार्ज कर रहा हूँ। तो जैसे आप 79 डाल के, या तो आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है,
उस पर कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 79 रुपीज़ है और ये रिचार्ज है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपको जो आपका रिचार्ज है वो कितना यहाँ पे पॉइंट्स ले रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 316 पे बाय पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप 316 पेमेंट करेंगे तो आपका 79 का रिचार्ज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपका ऐसे है तो देख सकते हैं यहाँ पे वो मोबाइल नंबर ही रजिस्टर्ड है, भी रजिस्टर्ड हो गया है और ये यहाँ पे OTP मांग रहा है, तो OTP यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिचार्ज भी डन हो गया, यहाँ पे मुझे मैसेज भी आ गया है और यहाँ से जो है इस SBI के जो पॉइंट्स है, रिवॉर्ड पॉइंट्स है, उससे मैंने यहाँ पे रिचार्ज कर दिया है और ये आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ मैसेज वगैरह आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपने जो पॉइंट्स है SBI के, उससे आप जो है यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं, मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, जितने आपके पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर आपको नहीं मालूम थे कि आपके पॉइंट्स कहाँ पे हैं, कैसे शो होते हैं, तो शायद इस वीडियो से आपको यहाँ पे पता चल गया। इसी माध्यम से आप जो है अपने रिवॉर्ड्स पॉइंट को देख सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने रिवॉर्ड्स पॉइंट को चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे हिंट दे दे, कुछ आपको टिप्स दे दे। जैसे कि मान लीजिए आप इसको ओपन करते हैं योनो एप्लीकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, थोड़ा सा स्लो वर्क करती है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। जैसे एक बार नहीं खुलता है, नहीं दिखाई देता है, वहाँ पर आपका नाम नहीं आता है रिवॉर्ड्स पॉइंट में, तो फिर से आप बैक करके जाएँ और फिर से आप जो है रिडीम पॉइंट्स पर यहाँ पर क्लिक करें, तो फिर आपका यहाँ पर 2-3 बार के अंदर एक बार में जरूर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप इसको देख पाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको योनो एप्लीकेशन यूज करना नहीं आ रहा होगा, जैसे कि अगर बैक कर देते हैं, नीचे बटन से बैक करेंगे तो डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन एग्जिट हो जाता है। बैक करने के लिए ऊपर एक एरो होता है ऐसे, वहाँ पर जब भी आप योनो एप्लीकेशन में बैक करते हैं, बैक बटन करना है आपको, तो वहाँ से बैक करें, ना कि अपने मोबाइल के बटन से बैक करें, तो यहाँ पे आप जो है उस एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स पॉइंट को यूज करना है, जैसे कि मान लीजिए आप अभी तक अपना यूनो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो सबसे पहले इसको रजिस्टर्ड करना होगा, नहीं तो आप जो है नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे जाके इस रिवॉर्ड्स पॉइंट को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टिप्स और ये था छोटा सा वीडियो SBI के रिवॉर्ड्स पॉइंट के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आपकी हेल्प हुई होगी। तो अगर आपकी हेल्प हुई है तो आप हमारा भी हेल्प कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको रियलिटी वीडियो मिलती रहती है, तो आप ज़रूर चैनल के साथ ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और रियल टाइम मुझसे बात करना चाहते हैं, रियल टाइम आप पूछना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब में मैं लेट रिप्लाई करता हूँ लेट नाइट में, तो एक साथ ही करना पड़ता है। अगर आप रियल टाइम चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि वहाँ मुझे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।